तो नहीं ना, आई होप लाइव नहीं ना, लाइव भी जा रहा है। ओके मालूम नहीं था, सॉरी। तो ठीक है, सबको गुड आफ्टरनून और टाइम देने के लिए थैंक यू। तो हमारा आज का प्रेस ब्रीफिंग का जो मुद्दा है वो ये है कि हम लोग एक नया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने फर्स्ट पब्लिक मीटिंग रखा है कल। तो कल मतलब सैटरडे को रखा है, June 3rd को, 3 तारीख जून में 10 बजे से 2 बजे। तो हमने SP ऑफिस से और DC ऑफिस से ये NOC और परमिशन लेके आया हुआ है। तो ये DC सर और SP सर ने हमें परमिशन दिया हुआ है कि आप 10 बजे से 2 बजे तक अपना पॉलिटिकल पार्टी का फर्स्ट पब्लिक मीटिंग रख सकते हैं। तो मैं ब्रीफली बताऊंगा, पूरा बात आज नहीं बताऊंगा क्योंकि कल के लिए भी कुछ छोड़ना है। तो मैं ब्रीफली बताता हूँ कि हमारा पार्टी फॉर्म करने का क्यों डिसीजन हुआ। तो जैसे आप सबको पता है कि अभी APPSC फियास्को में क्या क्या हो रहे हैं, तो इश्यूज जो है सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो मैं आगे से देख रहा था इसको, PNJC और सोशल एक्टिविस्ट इसको लीड कर रहा था इस इशू को सॉल्व करने के लिए। तो 13 पॉइंट डिमांड्स उन्होंने एक्टिविस्ट्स और एक्सपीरियंस PNJC ने रखा था। और जैसे आप सबको पता है फरवरी 18 में मीटिंग हुआ था CM के साथ सेक्रेटरीट में। तो वहाँ पे बाहर निकल के हमें ये बताया गया था कि इश्यूज सॉल्व हो गया, 13 पॉइंट डिमांड्स को फुलफिल कर दिया गवर्नमेंट ने। तो मैंने उसी दिन उस दिन उनका जो रेजोल्यूशन था मैं पढ़ा किया था। तो जैसा अंदर बोल के गया था ये PNJC और बाहर जाके जिस तरह से रिजल्ट आया थोड़ा मैच नहीं कर रहा था, थोड़ा अलग लग रहा था। तो मैं उसी दिन मैंने पोस्ट किया था कि कोई मुझे तेचीपुरु और PNJC का मेंबर्स का नंबर दीजिए, मैं उसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं लग रहा कि सॉल्व हुआ है, जैसा लिखा है वैसा उस हिसाब से नहीं लग रहा कि सॉल्व हुआ है। फिर भी रुका, उन्होंने कमिटमेंट दिया, 1 महीना 2 महीना रुको बोला, फिर भी रुका। अभी देखा है कि रिसेंटली देखा है कि एक्टिविस्ट्स को जेल ले गया और कोई कोई एक्सपीरियंस को ढूंढ रहे हैं। तो इश्यूज जो है सॉल्व नहीं हुआ है। अगर आप देखिए 13 पॉइंट्स को देखिए तो गवर्नमेंट ने 4 या 5 पॉइंट्स को फुलफिल किया हुआ है और बहुत सारा पॉइंट्स जो है अनफुलफिल्ड है या तो देखा जाएगा इस तरह से लिखा हुआ है, तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। उसके बारे में मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगा पब्लिक मीटिंग में कि क्या क्या पॉइंट्स जो है फुलफिल नहीं हुआ है। तो हमने सोचा कि बंद कॉल करके तो जेल जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जेल ले जा रहे हैं, धरना करके भी फायदा नहीं है। तो हमने सोचा कि प्रॉब्लम तो है, अब सोल्यूशन जो है बंद कॉल से हो रहा नहीं, प्रोटेस्ट से हो रहा नहीं, तो इसका सोल्यूशन तो एक ये दो ही दिखाई दे रहा है। एक तो है मिलिटेंसी का, मतलब कि उग्रवादी, तो जो कि मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो उस अगर डेमोक्रेटिक अगर हमें सोल्यूशन ढूंढना है तो एक ही ऑप्शन बच गया कि एक नया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करें। तो ये आइडिया ऐसा करके आया कि इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि सॉल्व हो गया, एड्रेस करेगा, कर दिया, लेकिन रिटर्न में जो आ रहे हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, उनका वर्ड्स को मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये पार्टी बनाया और मैंने वॉलंटरली मैंने पोस्ट किया कि जो जो इंटरेस्टेड है, जो जो मेरा जो इस सोच के साथ है तो आ जाइए। तो अभी तक 350 होने वाला है मेरा सपोर्टर्स, इस पार्टी का सपोर्टर्स। तो पब्लिक जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने रिसेंटली एक व्हाट्सएप ग्रुप भी खोला हुआ है, तो उसमें जो है वॉलंटरली डोनेशन भी आ रहे हैं। मतलब कि मैंने किसी को बोला नहीं कि आप डोनेट कीजिए, लेकिन मेरा QR कोड मांग रहा है और मेरा अकाउंट नंबर मांग रहे हैं और डोनेशन कर रहे हैं। कोई 1000, कोई 2000, कोई 500, कोई 1 रुपया भी डोनेट किया है। तो सबको थैंक यू। अभी हमारा 12-13,000 हो गया है एक दिन का डोनेशन कलेक्शन, जो कि मैंने बोला भी नहीं था कि आप पब्लिक डोनेट कीजिए, पब्लिक खुद को डोनेट कर रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि आप पब्लिक का पूरा सपोर्ट है, पब्लिक का पूरा सपोर्ट है। पहले सोशल एक्टिविस्ट्स को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वो लोग लीड कर रहे थे, अभी भी करते हैं उनको सपोर्ट, लेकिन यहाँ से सोल्यूशन निकल नहीं रहा। कोई बंद कॉल करने जाएगा फिर कल, तो फिर उसको जेल ले जाएगा। तो फिर ये मतलब कि मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है। तो इफेक्टिव सोल्यूशन यही है कि हमें नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट फॉर्म करना है अपना, और इस पार्टी के थ्रू हम ट्राई करेंगे कि मेजोरिटी गवर्नमेंट लाने के लिए। और हम पार्टी जो है अगर गवर्नमेंट में पावर में आते हैं तो मैं एश्योर करता हूँ कि हम लोग 3 मंथ्स के अंदर 13 पॉइंट डिमांड्स को फुलफिल कर देंगे। 3 मंथ्स के अंदर पूरा होगा, और 3 मंथ्स के अंदर जो अफवाह है अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014 जिसके अंदर सबको जेल ले जा रहे हैं, 3 मंथ्स के अंदर हम रिपील कर देंगे, ठीक है ना। तो कोई कोई है जो कि कहता है कि आप डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, आप एजुकेशन के लिए क्या करेगा, आप हेल्थ केयर के लिए क्या करेगा, वो सब बात बीजेपी भी बोलता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डेवलपमेंट, और बीजेपी करता भी है। अभी हम बोलेगा कि ईटानगर का तो ईटानगर थोड़ा इंप्रूव नहीं हुआ है, थोड़ा डेवलप नहीं हुआ है, तो वो गलत बात होगा। बीजेपी जो है डेवलपमेंट तो कर रहा है, ईटानगर बहुत सुंदर हो गया, डेवलपमेंट तो कर ही रहा है,
ठीक है, तो हम डेवलपमेंट करेंगे नहीं, लेकिन वो हमारा मेन टॉपिक नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो मेन टॉपिक नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, एनपीपी, पीपीए, जो भी है, आम आदमी पार्टी, वो लोग जो ये दो पॉइंट्स है जो मैंने बोला, इनको पूरा करने नहीं जा रहे हैं। कोई ऐसा कर सकता है कमिटमेंट कि हम 3 मंथ्स के अंदर वो कर देंगे, अफवाह को रिपील करेंगे, हम 3 मंथ्स के अंदर 13.9 मंथ्स को पूरा करेंगे? किसी ने नहीं किया और कोई नहीं करेगा। इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग जो है एक पार्टी शुरू करते हैं, जो जो मेरा इस सोच के साथ है वो आ सकते हैं, वेलकम है। और इसी बात को और डिटेल में करने के लिए हम लोगों ने कल पब्लिक मीटिंग रखा हुआ है, और मैंने आपको बताया कि ये इलीगल नहीं है। कोई कोई कहता है कॉल करके कि सर मेरा तो बहुत सारा दोस्त आना चाहता है, लेकिन डर लग रहा है जेल ले जाएगा क्या। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है, जो हम लोग कर रहे हैं, अनलॉफुल नहीं है, अनलॉफुल गैदरिंग नहीं है। हम लोगों ने एसपी से ऑर्डर निकाला और हम लोगों ने डीसी से परमिशन निकाला, और ये भी इसमें भी बहुत सारा नेगोशिएशंस करना पड़ा। पहले हमारा प्लान था आईजी पार्ट में करने का, लेकिन एसपी के साथ लंबा डिलीवरेशन करने के बाद फाइनली उन्होंने हमें टेनिस कोर्ट का दे दिया। कोई बात नहीं, वहां पे दे दिया, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। और कल मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग आइए, सैटरडे में सब लोग आइए, हमारा बात सुनिए। और एक और बात है कि हमारा पार्टी का जो नाम होगा वो मैं डिसाइड नहीं करूंगा, वो अभी तक कोई भी एग्जीक्यूटिव मेंबर फॉर्म नहीं किया है। ये मेरा लेफ्ट में है मातिंग, इसका नाम है मातिंग टाइटर, तो ये इंटरिम जनरल सेक्रेटरी है हमारा पार्टी का। इंटरिम मतलब कि अभी के लिए टेम्पररी है, तो हम दोनों हैं। और तो और भी है, यूथ विंग का, डिस्ट्रिक्ट का और भी है, सब इंटरिम है, मैं भी इंटरिम हूँ। तो हम लोगों ने पार्टी का नाम डिसाइड नहीं किया और हम लोग अभी नहीं करेंगे। ये पार्टी का नाम हमें पब्लिक देगा। कल जो जो आएगा टेनिस कोर्ट में, वो सब एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर में एक पार्टी का नाम लिख के लाइए। कोई बोले अरुणाचल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कोई कुछ और बोल रहे हैं, तो आप लोग अपना नाम लिख के लाइए, पार्टी का नाम, और उसके नीचे अपना भी नाम लिख के लाइए। जिसका नाम सबसे अच्छा होगा उसको हम लोग पार्टी में ही अनाउंस करेगा, पब्लिक में ही अनाउंस करेगा कि पब्लिक वोटिंग से हमारा पार्टी का नाम डिसाइड होगा। जिसका जिसका नाम में, जिसका सजेशन में सबसे ज्यादा शाउट मिलेगा, सबसे लाउड शाउट मिलेगा, उसका नाम को हम लोग चूज करेंगे। और जिसका नाम सेलेक्ट होगा, जिसका नाम को सब पब्लिक सपोर्ट करेगा कल का मीटिंग में, उसको हम लोग कैश प्राइज भी देंगे मोटिवेट करने के लिए, और उसका नाम को हम पार्टी के हिस्ट्री में भी लिख देंगे कि इसका नाम, इसका सजेशन से हमने नाम बनाया। तो आई होप कि इतना तक मैं रखने से हो जाएगा, ये कल और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक दो सवाल कर लीजिए पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग जो एक्चुअली वॉलंटरीली हम लोगों ने पार्टी फॉर्म करने का डिसीजन लिया हुआ है, तो इंटरिम प्रेसिडेंट आप इंटरिम, ये अभी हमारा टेंटेटिव नेम है न्यू स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, न्यू स्टेट पॉलिटिकल पार्टी टेंटेटिव है, लेकिन ये कल चेंज होने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए NSPP है। थ्री मंथ्स के अंदर हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन में समझ, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर सकते थे और कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि अभी कोई कोई एब्सकॉन्डिंग है और कोई कोई जेल में है, तो वो जब निकलेंगे तो हम उनको, उनका जो है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। और आपने कहा आएगा तो हम मिलकर डेफिनेटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वो इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको हमें खुद ही नया पार्टी, इसलिए हमने सोचा कि खुद ही नया पार्टी फॉर्म करेंगे और खुद ही सॉल्व कर लेंगे, वही हमने सोचा। अभी हम लोग जितना भी प्रोटेस्ट करो, जितना भी डेमोन्स्ट्रेशन करो, वो डेफ ईयर्स में जाएगा। मतलब आई होप कि आप समझ गए। और कुछ जी जी बिल्कुल ठीक है। आपका सेकंड सवाल, अगर मैं गलत नहीं, तो आपने बोला कि दिल्ली जाके, दिल्ली का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाना पड़ेगा, ऐसा बोला आपसे ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आपने कहा कि 100 आदमी का जरूरी है इलेक्ट्रल रोल में होने उनका नाम ना, और वो भी जेन्युइन वाला। हमने उस दिन स्टेट इलेक्शन कमीशन में गया था, जिसको हिंदी में निर्वाचन भवन कहते ना,
तो वहाँ पे गया था, तो बात किया हमने, और उन्होंने भी यही कहा कि 100 आदमी का नाम चाहिए और वो भी जेन्युइन वाला, तो हम उसको कलेक्ट करेंगे डेफिनेटली। और क्योंकि आप सोच के देखिए, डोनेशन का ही देख के देखिए, हमने किसी से मांगा नहीं, लेकिन वॉलंटरीली अननोन नंबर्स QR कोड मांग रहे हैं। मतलब कि ये इश्यूज जो है पब्लिक का दिल को छू रहे हैं, और हमें हमें मोमेंटम मिल गया है। तो डेफिनेटली हम लोग 100 आदमी का कलेक्ट करेंगे, और वो हमारे, जैसे मैंने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी 350 मेंबर्स ऑलमोस्ट है, तो डेफिनेटली वो तो आराम से हो जाएगा। और दूसरा बात है कि हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, तो हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन निर्वाचन भवन वहाँ पे गया था और बोला कि सर हमें दिल्ली जाना पड़ेगा क्या? उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाय पोस्ट सब कुछ हो जाएगा, तो फिजिकली हमें दिल्ली नहीं जाना है, बाय पोस्ट हम जितना भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भेज देंगे, तो वो लोग उसको प्रोसेस करके वो लोग कर देंगे। तो दिल्ली जाना वो एक क्राइटेरियन नहीं है। और दूसरा बात भी है कि पार्टी कैसे फॉर्म करना है, तो हमने वो सब एनालाइज कर लिया हुआ है। 10,000 रुपीज़ का DD करना है, डिमांड ड्राफ्ट, तो वो सब है। और फिर बायलॉस वगैरह या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अपना पार्टी का लिखना है, प्रेसिडेंट कैसे सेलेक्ट करेंगे, GS कैसे सेलेक्ट करेंगे, पार्टी डिजोल्व हो गया, गवर्नमेंट डिजोल्व हो गया तो क्या करेंगे, वो सब तो हम लिख ही लेंगे। सही बात है। हाँ आया हुआ है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आया हुआ है। जी जी थ्री मंथ्स जी जी तो आपका पहला सवाल ये कि फंडिंग जरूरी होता है इलेक्शन में, ये है ना, करोड़ ऑफ मनी होते हैं, ठीक है। तो उस दिन मुझे, जब मैंने अनाउंस किया कि पार्टी फॉर्म करने का सोच रहा हूँ, कोई इंटरेस्टेड है तो आ जाइए, तो उसके बाद पब्लिक सपोर्ट बहुत आया, और एक आदमी ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, मेरा पार्टी में आ जाइए। उसका भी नया पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, प्रोसेस में है, उन्होंने अप्रैल में डाला था एप्लीकेशन, तो उन्होंने बोला कि आ जाइए। मैंने बोला कि अभी मैं 300 लोग उस समय पार हो चुका था, मैं 300 लोगों को कमिटमेंट दे चुका हूँ व्हाट्सएप ग्रुप खोल के, कि मैं इन डिमांड से बैकआउट नहीं करूँगा, पीछे नहीं हटूंगा, तो अगर मैं आपके साथ चला गया तो क्या गारंटी कि आप नल एंड वॉइड करवाएगा, क्या गारंटी है कि आप जो है अपू आपा को रिपील करवाएगा? तो उन्होंने गारंटी नहीं दिया, तो मैंने बोला कि आप उल्टा हमारे पार्टी में आ जाइए, आपको वेलकम है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, उनका प्रोसेस में थे, तो उन्होंने कहा कि 4-5 करोड़ तो मिनिमम लगेगा। मैंने कहा कि मैनेज करेगा, लेकिन वो तो मेरा ब्लफ था एक्चुअली, मैनेज तो नहीं करेगा ये। हम लोग क्या करेंगे इलेक्शन को, हमने ये सोचा कि जवान लोग हैं, जैसे कि मेरा लेफ्ट में GS है इंटरिम मार्टिन टाइटर, राइट में कैंटर रिना है, कैंटर रिना ये भी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है और वेल विशर है। तो ये बहुत सारा जो 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 भी आया है पार्टी में, सब वॉलंटरी ले आया है, और बोलता है कि हमको खुद मैसेज करके बोलता है कि हम फ्री में वोट करेगा। अभी एजुकेटेड हो गया, अरुणाचल के जो मैक्सिमम लोग हैं वो लिटरेट हो गए हैं, समझ रहे हैं, जवान पॉपुलेशन जा रहे हैं, यंग पॉपुलेशन जा रहे हैं। तो हाँ, पैसा तो लगता है कहीं कहीं में, लेकिन हम लोग पैसा से नहीं लड़ेंगे, हमारा जो इलेक्शन का जो स्ट्रेटेजी है, कैंपेनिंग होगा, वो एक्सपीरियंस कैंपेनिंग करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई एस्पिरेंट है, वो तो अपने फ्यूचर के लिए वोट करेगा, और हम कहेंगे कि आप जो है अपना पेरेंट्स को, अपना एल्डर्स को कहिए कि एक बार के लिए पैसा नहीं लेके वोट कीजिए, और ये जो कमिटमेंट कर रहा है, ये जो अंतर जो कमिटमेंट कर रहा है वो करेगा, पूरा करेगा, और मैं जो कहता हूँ वो करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, और चाहे कोई भी कैसा भी हो जाओ, क्या भी हो जाओ, हमारा पार्टी पावर में आया, डेफिनेटली जो हमने बोला है अभी का 2 पॉइंट्स, वो डेफिनेटली डेफिनेटली होगा 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, उसके बाद नहीं कराऊंगा तो फिर वो भी चेहरा दिखाने के लायक नहीं होगा। तो आपका सवाल का जवाब यह कि हम लोग पैसा से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इशू से लड़ेंगे, और हमारा स्टार कैंपेनर्स हमारा एक्सपीरियंस होगा, वो है मेरा जवाब। जी हाँ हाँ जी 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 आपका बिल्कुल सही बात है। ये तो बस कि हमारा पार्टी फॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ यहाँ पे बोल रहा है, वर्बली बोल रहा है कि वो सॉल्व कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो सॉल्व तो नहीं किया। तो इसको सॉल्व करेंगे, वो जो डेवलपमेंट है, जो हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब बाद में आएगा। और मेरा ये भी सोच है कि हमें इंटीरियर एरियाज को डेवलप करना है, पहले तो इंटीरियर एरियाज जहाँ पे रास्ता नहीं पहुंचता है उनको डेवलप करना है, तो ऐसे में हर कोई करता है, हम लोग करेंगे डेफिनेटली, या बाकी चीज में फोकस करेंगे। लेकिन अभी का मेन इशू है कि जो पूरा पूरा अरुणाचल को इफेक्ट कर रहे हैं, कि सब तो जो जो एजुकेटेड है, जो जो ग्रेजुएट है, सब तो एक्सपीरियंट है,
तो सबको तो ये वो हो रहा है ना, सब सबसे सबसे कनेक्टेड है ये इशू, तो इसको तो सॉल्व कर ले पहले। तो ये है पार्टी का फॉर्म करने का मेन रीजन, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, वो सब करप्शन फ्री, वो सब बाद में आएगा। जी 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 वो जो सोशल नहीं है, और दूसरा है आपका ये कंजेशियस, ये जो आपको आपा का जो जी फील करना चाहता है, जी तो ये जैसी चीजों पे ना बता रहे जी इसका करना भी होती है। मान लीजिए अगर सरकार ने ये विधि 1 साल इलेक्शन से पहले कठिन पॉइंट को वो लोग रिजोल्व कर देते हैं, तो आप जी क्या करते हैं? सबसे पहला जी सबसे पहले आपका जो सवाल है कि सरकार गवर्नमेंट अगर 1 ईयर के अंदर फुलफिल करते ना, तो उसको हम अपना सक्सेस मानेंगे कि जो हम करना चाहते थे वो गवर्नमेंट ने फुलफिल कर दिया है। लेकिन अगर हमने शुरू कर ही दिया और हम अभी पार्टी फॉर्म करने का प्रोसेस स्टार्ट कर ही दिया, तो हम डेफिनेटली पार्टी फॉर्म करेंगे, और अगर गवर्नमेंट अगर फुलफिल कर भी देते हैं तो उसको हम अपने अचीवमेंट मानेंगे, अपने सक्सेस मानेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये होने वाला नहीं है, मुझे लगता है 99% या 100% कह सकते हैं कि गवर्नमेंट नहीं करेगा। अगर करने से वो पहले कर देता तो अभी तो बहुत साल हो गया, एक बहुत समय हो गया, 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है, तो अभी तक नहीं किया तो उनका में वो मतलब कि वो इंटरेस्ट नहीं है, करेगा करके उनका वो सोच नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जी 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 कैसे जी 100% कमिटमेंट है, 100% ये प्रोमिस है, करूँगा कराऊंगा। और कोई कोई कभी कभी मीटिंग या कुछ डिस्कशन होने से कोई कोई होता है कि ये सब मत बोलिए करके ना, तो मतलब कि नल एंड वॉइड के बारे में मत बोलिए, पब्लिक डिवाइड होगा। लेकिन मैं तो मैंने कहा कि मैं बोलूँगा, आज बोलूँगा, कल भी बोलूँगा, क्योंकि हमारा पार्टी फॉर्म ही इसी वजह से हुआ है। तो ठीक है, आपका जवाब मैं देता हूँ। आपने कहा कि कैसे करेंगे ना, तो देखिए गवर्नमेंट ये कहता है कि नल एंड वॉइड जो है चेयरमैन कर सकता है, ये तो आप सबको पता है ना, गवर्नमेंट नहीं कर सकते या असेंबली में पास नहीं कर सकते, ऐसा कहते हैं। हम क्या करने वाले हैं कि हम विल दिखाएंगे, विल जो कि अभी अभी का प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं दिखा रहे हैं, हम विल दिखाएंगे। हम शुरू में ऐसा वाला चेयरमैन ढूंढेंगे, ऐसा चेयरमैन हम ढूंढेंगे जो प्रो नल एंड वॉइड होगा, जो नल एंड वॉइड करना है बोल के बोलेगा, ऐसा वाला चेयरमैन सबसे पहले हम चूज करेंगे, अपॉइंट करेंगे, तो उससे एक स्टेप हो जाएगा। और एक और बात है, अगर हम नल एंड वॉइड कर देते हैं तो जो अभी का ऑफिसर से 2014 से जितना भी अटेंटेड एग्जामिनेशन से उनका जो ऑफिसर से, वो डेफिनेटली वो लोग कोर्ट जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि हम ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे तो चलिए कोर्ट जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो है, अगर हमारा पार्टी गवर्नमेंट में आता है तो हम कोर्ट लड़ेंगे। किसके लिए लड़ेंगे? हम एक्सपीरियंस की तरफ लड़ेंगे, जो एग्रीव्ड एक्सपीरियंस है उनके तरफ से हम कोर्ट केस लड़ेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या होते नहीं होते वो तो हम गारंटी नहीं दे सकते, हम ट्राई करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक हमारा जो जजमेंट है, जो नल एंड वॉइड जो हमने किया है वो स्टैंड करे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, नल एंड वॉइड नहीं होना है, तो हम उसको रेस्पेक्ट करके मान लेंगे, लेकिन कम से कम हम विल दिखाएंगे, हम अपनी तरफ से ऐसा चेयरमैन अपॉइंट करेंगे जो नल एंड वॉइड करवाएगा बोलेगा, उसके बाद नल एंड वॉइड होने के बाद हम केस लड़ेंगे एक्सपीरियंस की तरफ से। तो ये विल दिखाएंगे हम, जो कि कोई स्तर अभी का प्रेजेंट स्तर गवर्नमेंट नहीं दिखा रहे। तो ये बात है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हैं तो कोई मेरे ख्याल से कोई पब्लिक ये नहीं कहेगा कि नल एंड वॉइड कराओ या आपने अपना काम नहीं किया, लेकिन कम से कम उस तक तो हम पहुंचे। ये जवाब है आपका। विल जी 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 क्या काम में आएगा विल? हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं, अगर हम चाहे तो क्यों नहीं कर सकते। 3 मंथ्स तो ज्यादा बोल दिया, 1 मंथ में हो जाएगा, तो क्यों हंस क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो बताइए, हंस क्यों रहे हो वो बात की, हंस क्यों रहे हो? जी 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 आपका सवाल जो है नल एंड वॉइड के लिए शायद ना, 13 पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो देखिए हर आदमी में एक टैलेंट होता है, मेरा टैलेंट ऐसा है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में मुझे मुझे बहुत अच्छे से आते हैं,
तो अगर आप मुझे प्रॉब्लम देगा तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बस मेरे पास रिसोर्सेस होने हैं, मेरे पास आइडियाज़ बहुत सारा है और उसको मैं पूरा भी करता हूँ। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि मैंने बहुत सारा बुक्स लिखा है, पब्लिक को पता ही नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत सारा बुक्स लिखा है इंग्लिश में, मुझे लेकिन किसी ने जीके बुक में मेंशन नहीं किया। मैंने क्या किया, अपना जीके बुक निकाला, अपना नाम डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ है, अगर अगर कहीं कुछ मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर पाऊंगा। फुटबॉल कोई नहीं खेला रहा था मुझे जब जवान था, मैंने अभी अपना फुटबॉल टीम बना दिया, मैं अभी प्लेयर्स को खिलाता हूँ। तो इस तरह का है, तो मतलब और भी एग्जाम्पल्स है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरा जो है, मेरा टैलेंट है। तो आपने बोला कि 13 पॉइंट्स कैसे डिमांड करेगा, नल एंड वॉइड का तो मैंने बता ही दिया कैसे हम उसको फुलफिल करेंगे। हमारा नल एंड वॉइड का इंटरप्रिटेशन क्या है वो मैंने बता दिया, शायद उसको दोबारा ब्रीफली बता देता हूँ। चेयरमैन अपॉइंट करेंगे जो नल एंड वॉइड के प्रो होगा, वो कराएगा नल एंड वॉइड। और अगर डेफिनेटली अगर नहीं डेफिनेटली जो उस समय 2014 का जो से लेकर अभी तक का जो एक्सपीरियंस है कैंडिडेट जो ऑफिसर्स बन गया, वो लोग डेफिनेटली उसके अगेंस्ट में कोर्ट जाएंगे, हम एग्रीव कैंडिडेट्स की तरफ से केस लड़ेंगे। तो ये हमारा मीनिंग है नल एंड वॉइड कराने का, ठीक है। आई होप कि पब्लिक इससे सेटिस्फाइड होगा, और जो बाकी है उसको भी हम लोग डेफिनेटली करा देंगे, ठीक है। नहीं, सब लोग नल एंड वॉइड नहीं चाहिए, डेफिनेटली ये तो सही बात है, ऑब्वियसली सब लोग तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको बीमार आप बीमार है और आपको आपका ऑर्गेन्स को ज़्यादा इफेक्ट करने वाला दवाई लेना है और कम इफेक्ट करना दवाई लेना है, तो हम प्रीफर करेंगे जहाँ पे कम डैमेज हो रहा है, जहाँ पे आपके बदन को कम असर हो रहा है, इल इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसको हम चूज करेंगे। तो ये है जी जी वही हाँ जी मेजोरिटी लेना जी जी मैं ठीक है। आपका पहला आपका सवाल का जवाब ये कि हाँ, हमने सोचा है कि 30 जो 60 कंस्टिट्यूंसीज हैं उनमें से हम कॉन्टेस्ट करेंगे डेफिनेटली। और आपने मेरा बारे में पूछा ना, तो मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा। मैं पार्टी को लीड करूँगा और मैं ये इंश्योर करूँगा कि जो हमने कमिटमेंट किया है वो पूरा हो और इस इशू को कोई आके हाइजैक ना कर दें। कोई कोई ट्राई कर रहे हैं नल एंड वॉइड नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये ऐसा करने से डिवाइड होगा पब्लिक। लेकिन हमने क्योंकि पार्टी इसी इशू से या इसी कमिटमेंट से फॉर्म किया है, तो अभी हम नल एंड वॉइड नहीं करवाएगा ऐसा बोलेगा तो फिर लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। तो आपका सवाल का जवाब आई होप दे दिया। 60 में हम लोग लड़ेंगे और मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा। अगर गवर्नमेंट फॉर्म करने में फेल हो गया, मान लीजिए हम लोग सपोज माइनॉरिटी में रह गया, अपोजिशन में रह गया, हम आवाज़ उठाएंगे असेंबली में, आवाज़ उठाते रहेंगे, एक आदमी ने से भी हम लोग चिल्लाएंगे। तो ये है, ये आवाज़ उठाएगा उठाते रहेगा और पार्टी ये पार्टी जो है डेफिनेटली रहेगा, पार्टी डेफिनेटली रहेगा और आगे भी काम करेगा। जी आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि हर हर जो है ऑफिसर है वो तो टेंटेड नहीं होगा या तो वो करप्ट मीन्स सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, ये तो डेफिनेटली सही बात है। तो नल एंड वॉइड का देखिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। मेरा जो पर्सनल सोच है ये ऐसा है कि किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि नल एंड वॉइड होने से फ्रेश कैंडिडेट्स अलाउड नहीं होगा, जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं सेम कंपिटिटर के साथ एग्जाम देगा, ये तो पता है आप सबको, पता है ना सब, आई होप मालूम है ना, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि हम लोग जो है उनको भी थोड़ा सा कंपेंसेशन देंगे। कंपेंसेशन इन द बाय कंपेंसेशन का मतलब यह है कि उनको हम 5 या 10 मार्क्स ग्रेस मार्क देंगे जो ऑफिसर्स हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग, क्योंकि वो लोग आउट ऑफ टच रह गया, अपना ऑफिशियल ड्यूटीज में बैठ के आउट ऑफ टच रह गया, कहीं गाँव में है, इंटरनेट नहीं है, पढ़ाई से छूट गया उनका, तो उनके लिए इंजस्टिस हो जाएगा अगर नल एंड वॉइड करवा के इक्वली आप लोग 6 महीने के अंदर एग्जाम दे दीजिए, उनके साथ इंजस्टिस हो जाएगा। तो हमने सोचा कि 5 या 10 मार्क्स उसको तो डिस्कस करके हम डिसाइड करेंगे कौन सा मार्क्स सुटेबल होगा। तो ऐसा करके होने से आई होप कि आई थिंक कि उनको भी जस्टिस मिल जाएगा, उनके साथ भी उतने इनजस्टिस नहीं रहेगा, ये हमारा सोच है जी। आप लोग
इलेक्शन लेना। जी जी हाँ डेफिनेटली, ये एक्चुअली पब्लिक का रिस्पॉन्स ऐसा है कि आप लोग जल्दी कर रहे हैं, तो आपने बोला कि आप लोग लेट कर दिया, तो पब्लिक का कोई कोई का कहना कि आप लोग जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा रुकने से टिकता है, एक्टिविस्ट को निकल जाने का बात करने से टिकता है कि नहीं, कोई कोई है ना जल में। मैं आपका सवाल समझ गया, आप जब जवाब दे रहा हूँ, तो आपका जवाब ये है कि नहीं, उतना समय नहीं लगेगा, शायद 6 महीने में पार्टी रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा। और ये ऑफिस ना, ऑफिस के लिए हमें बहुत बड़ा बिल्डिंग, बहुत बड़ा रूम नहीं चाहिए, एक 1 BHK रूम भी हो जाएगा। पीपीए का ऑफिस आपको पता है, आप पीपीए पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, उनका ऑफिस अभी का नहीं बोल रहा हूँ, जो 2018-19 का बात कर रहा हूँ, 1 BHK रूम था उनका ऑफिस। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बिल्डिंग चाहिए, तो वो तो 1-2 हफ्ता में हो जाएगा। और जो ट्रेजरर, जो पोर्टफोलियो होल्डर्स है, उनके बारे में बोला, तो पार्टी ने कहा कि मुझे इंटरिम प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो मैं इंटरिम प्रेसिडेंट बनूंगा, और मैं जब तक ये नल एंड वॉइड नहीं होता है मैं प्रेसिडेंट रहूंगा, उसके बाद चाहे मैं रेजिग्नेशन दे दूँ वो अलग बात है, लेकिन ये दो कमिटमेंट्स को मैं फुलफिल करा के प्रेसिडेंटशिप से रेजिग्नेशन दे दूंगा, अगर देना भी है तो ये बात है। और ट्रेजरर, ये तो इंटरिम जीएस तो है ही साथ साथ में, और केंद्र जो है इसको वुमेन विंग का सेक्रेटरी है, तो ट्रेजरर वगैरह हम लोग एक हमारा पार्टी का मीटिंग रखेंगे। कल का जो इवेंट होगा, कल का जो पब्लिक मीटिंग है, वो एक्चुअली वो है, ये मोबिलाइजेशन है, मतलब कि ये ड्राइव है, मतलब कि मेंबरशिप ड्राइव जैसा ही है, आके हमारा बात सुनिए, और उनके बाद उसके बाद फिर लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे, उनको मैं मेंबरशिप दे दूंगा, उनको मैं पार्टी में लगा दूंगा, तो जो जो मुझे लगेगा ये अप्रोप्रिएट कैंडिडेट होगा, सुटेबल कैंडिडेट होगा, अच्छा काम करेगा, उनको हम पोर्टफोलियो दे देंगे। ये है जी 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 हमारा जो कैंडिडेट्स होगा वो यंग होगा, यंग इन द सेंस कि 40 से लेकर के 50 इस तरह का होगा, और ऑल जो कैंडिडेट्स हैं जिनका करप्शन से लिंक है, या जो दूसरा पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी से हैं, और जो कि पुराने सोच विचार के हैं, उनको हम ज़्यादा नहीं लेंगे, लेंगे तो 5, 10, 15 लेंगे मैक्सिमम। हम लोग यूथ होगा, यूथ मतलब वही 40-50 ईयर्स वाला, जो जो नया सोच के साथ आएंगे, ठीक है। और आपका सवाल ये था कि अगर मैं कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा तो फिर लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे, आपका सवाल ये था आई थिंक कि नल एंड वॉइड होगा कैसे ट्रस्ट करेंगे, ये था ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर तो मैं ही रहूँगा, ठीक है ना, ठीक है, चीफ मिनिस्टर नहीं, क्योंकि किसी ने तो हंसा, इसलिए मैं रेस्पॉन्स में था, वो सर ने हंसा, इसलिए मैं रेस्पॉन्स में हंस रहा हूँ, सीएम तो मैं ही रहूँगा। और नहीं, सीएम बनने के लिए हमें वो नहीं चाहिए, कॉन्टेस्ट करना जरूरी नहीं है, क्या बोले? नहीं, ये आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सीएम बनने के लिए आपको कॉन्टेस्ट नहीं करना है, आप सीएम बन सकते हैं 6 मंथ्स तक, आप बन सकते हैं विदाउट कॉन्टेस्टिंग, तो मेरा तो प्लान नहीं है कॉन्टेस्ट करने का, तो मैं सीएम बनूंगा 6 मंथ्स से, 3 मंथ्स में नल एंड वोट करवाऊंगा, और फिर अपो अपो रिफिल करवाऊंगा, रिमेनिंग 3 मंथ्स में डेवलपमेंट करवाऊंगा, नया सीएम चूज करेंगे हम लोग पार्टी, और उसको हम लोग बताएंगे कि आप जो है भटकना नहीं है, हमारा पार्टी जो है हम्बल पार्टी होगा, लोगों के साथ कनेक्ट वाला पार्टी होगा, और सोल्व करेंगे इस जो सोल्यूशन है उनको, जो प्रॉब्लम है उनका हम सोल्यूशन देंगे, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सोल्यूशन देंगे। तो 6 मंथ्स के लिए मैं सीएम बनूंगा, जितना भी इश्यू से सोल्व कर दूंगा, रेजिग्नेशन दे दूंगा, पार्टी को बाहर से लीड करूंगा, ये है हमारा स्ट्रेटेजी। तो लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये नल एंड वॉइड जो होगा होगा ही होगा, क्योंकि पार्टी अगर बनता है तो 6 मंथ्स का सीएम मैं बनूंगा। देखिए सबसे पहला बात है कि अगर हमारा पार्टी वो पावर में आते हैं
तो दिल्ली को हमारा जो स्टेट इश्यूज है उतना मेरे ख्याल से नॉलेज नहीं होगा, उतना वो नहीं होगा, क्योंकि अभी जो नरेंद्र मोदी का इशू चल रहा है मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को पता है यहाँ पे अरुणाचल में नरेंद्र मोदी का भी इशू चल रहा है। ये फियास्को तो चल रहा हो ये तो पता होता होगा, लेकिन अंदर का जो बात है वो पता नहीं होगा, तो उतना कंसर्न नहीं होगा। और दूसरा बात यह कि स्टेट में अलग गवर्नमेंट हो सकता है। आप वेस्ट बंगाल को देखिए, वहाँ पे टीएमसी है शायद ममता बनर्जी, लेकिन दिल्ली में फिर अलग पार्टी है। और दिल्ली का भी देखिए केजरीवाल अलग पार्टी, आम आदमी पार्टी है। तो जरूरी नहीं कि हमें सेंटर पे डिपेंड करना है। हाँ, फंड्स के लिए हमें सेंटर का जो चाहिए साथ चाहिए, लेकिन हम जो है ट्राई करेंगे कि इंडिपेंडेंट, कि हमारे स्टेट जो है इंडिपेंडेंट बनने के लिए, वो 5 साल में नहीं होगा शायद, या 10-15 साल में हम ट्राई करेंगे कि इंडिपेंडेंट और अपना ही इंडस्ट्री हो, टूरिज्म टूरिज्म से हमारी इनकम हो। भूटान को देखिए, टूरिज्म से चलता है, तो उस तरह से हम कर सकते हैं, टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं। तो अभी का भी सरकार ट्राई कर रहा है डेवलप करने के लिए, लेकिन हम इनोवेटिव अप्रोच लाएंगे। जैसे कि हम जवान है और आपको मैंने बताया कि प्रॉब्लम अगर टूरिज्म को कैसे बढ़ाना है वो प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं और मैं कर सकता हूँ, तो हम उसके लिए नया आइडियाज लाएंगे। तो ये है, तो हमें सेंटर पे तो डेफिनेटली डिपेंड होना पड़ेगा कि फंड्स के लिए, लेकिन ये नल एंड वॉइड जो है ये इसको हम लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये बात है। तो जी आपके विलेज लेवल को किसे आप उन लोगों को मना पाए थे, जी किसे ना उनको ये मणिकर्ण सुन करके आप लोगों को वोटिंग दीजिए, जी ये तो ऑफेंसिव रेट है, इस जी तरह के तो पैसा को भी वोट होता है। लेकिन आप लोगों ने अनुसंधान इसमें किया, आप इसलिए कंफिडेंट है कि आप लोग कोई बाद में पॉलिटिकल पार्टी या फॉर्मर सीएम फॉर्मर डीसीएम ये सब इन्वॉल्व नहीं होगा आपका पार्टी जी में? यहाँ में अरुणाचल में एक क्लान मिनिस्ट्री से फेडरेशन जी मिनिस्ट्री से वो भी प्रोड्यूस करता है, जी उसको आप कैसे ये करते हैं? ये जो हमारा इश्यूज है ये मतलब कि सब क्लान से इसको सपोर्ट करेंगे। जैसे कि इसके बीच क्लान और क्लान में फिर वो दुश्मनी वाला ऐसा कंट्रोवर्सी वाला ऐसा कुछ नहीं, इसको तो सब क्लान ही सपोर्ट करेंगे। मैं भी सपोर्ट करता हूँ, आप सभी सपोर्ट करते होंगे मैक्सिमम लोग। तो दूसरा बात है कि पैसे बिना पैसा का कैसे लड़ेंगे? तो हाँ, पैसा तो थोड़ा चाहिए हमें रैली करने के लिए, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा तो चाहिए, वो तो सही बात है। और दूसरा बात है कि जैसा मैंने आपको बताया, हम जैसे कि पैसा देके 10-20 हज़ार या 1-2 लाख देके या रॉन्ग प्रोमिस करके आपको जॉब देगा आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, उस तरह से हम पॉलिटिक्स नहीं करने वाले। हम पॉलिटिक्स करने वाले ये इश्यूज पे, और हमारा जो कैंपेनिंग होगा वो एक्सपीरियंस कर देगा, हम एक्सपीरियंस को कन्विंस करेंगे। आप हमारा पार्टी को एक बार सपोर्ट कीजिए, और मैक्सिमम लोग तो एक्सपीरियंस है, उनका तो फैमिली मेंबर्स है, तो वो अपने फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करेंगे और उन पे हम जोर डालेंगे। तो अगर मैं मान लीजिए मैं अपना फैमिली को बोलूँ, फैमिली में 10 लोग हैं, उनको भी बोलूँ आप लोग प्लीज़ मैं हमारे लिए वोट कीजिए, अगर इस तरह से हम करेंगे एक्सपीरियंस के थ्रू, तो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। ये है हमारा बिलीफ है और पब्लिक का पूरा सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि ये जो है स्ट्रेटेजी जो है काम करेगा। ये है होगा, ठीक है ना? होगा।